देख रहे हैं प्राइम स्टोरी। सहारनपुर के थाना क्षेत्र सरसावा के गांव रायपुर की बेटी ने आर्मी में अधिकारी बनकर सरसावा क्षेत्र का नाम रोशन किया। आपको बता दें, रायपुर की बेटी पारस राणा ने आर्मी में अधिकारी बनकर देश की सेवा करने का फैसला लिया है। पारस के माता पिता ने बताया कि उनके समाज के लोगों के विरोध के बाद भी उन्होंने लड़का लड़की में भेदभाव न समझते हुए अपनी लड़की को हर सुविधा दी, जिससे आज उसने अपने गाँव और जिले का नाम रोशन कर दिखाया। पारस की इस कामयाबी से सरसावा क्षेत्र में खुशी का माहौल है। वहीं लोग उनके घर जाकर पारस को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दे रहे हैं। आपको बता दें कि पारस राणा ने गत वर्ष अगस्त में SSC द्वारा आयोजित मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की परीक्षा दी थी, जिसमें 85,000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, जहां 3 स्तरीय परीक्षा के बाद पूरे देश से 150 प्रतिभागी सफल हुए, उनमें से पारस भी एक थी। पारस को आर्मी हेडक्वार्टर से प्राप्त पत्र में आर्मी की नरसिंहपुर से लेफ्टिनेंट का पद प्राप्त हुआ है। अपनी बेटी को अपने बेटों से भी ज्यादा अहमियत दी और अपने बेटों की तरह से पढ़ाया। जय दुनिया ने मुझे कुछ भी कहा, मैंने पीछा नहीं हटिया। दोनों मम्मी पापा हमेशा अपनी बेटी का साथ दिया। बस मैं तो यही कहना चाहूँ कि बेटों को और बेटियों को एक समान समझो। मुझे बहुत खुशी हुई है, महसूस तो मुझे गर्व प्राप्त हो रहा है जी। धरती बाई सिंह गुड़िया ने जन्म लिया जी, मैं थल सेना में लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे जी। तो यही है जी, हमने कभी भी लड़कों में लड़की में कभी भेदभाव नहीं समझा जी। और मुझे गर्व है कि ये लड़की मेरे विद्यालय में मेरे सानिध्य में पढ़ी, बचपन से होनहार रही और पहले से हमें उम्मीद थी कि ये लड़की भविष्य में अच्छा परफॉर्म करेगी और वैसा ही मेरी उम्मीदों के अनुरूप लड़की ने आज कर दिखाया। मुझे गर्व है। मैंने SSC MNS में लेफ्टिनेंट की रैंक से 5th रैंक पाई है और मैंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो गांव से ही की है। अभी मेरे को लेफ्टिनेंट का रैंक मिला है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे परिवार ने मुझे इस चीज में बहुत सहयोग किया है। सबने मेरे को बहुत आगे बढ़ने में मेरी मदद की है और मैं चाहती हूँ कि समाज और दूसरी लड़कियों को भी इसी तरह आगे बढ़ने का मौका दे। किसी सबको हर जगह हर उस जहाँ भी लगता है कि अपॉर्चुनिटी है अपनी बेटियों को आगे भेजने में उनकी मदद करें। इसका पूरा श्रेय मेरे माँ बाप, मेरे दादा दादी जी, मेरा परिवार और मेरे गुरुजनों को जाता है। मेरे टीचर्स ने भी बहुत हेल्प किया है, सबने मुझे बहुत गाइड किया है। कभी मुझे कभी किसी ने ये नहीं बोला कि ये नहीं हो सकता है। सबने मुझे हमेशा पॉजिटिव सपोर्ट किया है कि तुम कर सकती हो और मैंने वो करके दिखाया। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर के सरसावा से अनिल सैनी की रिपोर्ट। देख रही है प्राइम स्टोरी।